दोस्तों, आज हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे अच्छी और सभ्य जिंदगी तो आज से हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो लगभग 4600 साल पहले ही मिट्टी के नीचे दफन हो गए। तो आज दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे मोहनजोदड़ो का आखिर पूरा सच क्या है, अर्थात मोहनजोदड़ो का इतिहास के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इस पुराने शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था जिसकी कल्पना भी आप सब नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तान सिंध में इसका लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। जब इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी और धातु से बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी न जाने बहुत सी चीज मिली थी दोस्तों, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे आज हम सब अपने घरों में रहा करते हैं, वैसे ही 4600 साल पहले मोहनजोदड़ो के समय के लोग भी अपने घरों में रहा करते थे, खेती भी किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए कई लोग उत्साहित हैं। इसी कारण से कई बार मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू भी हुई और बंद भी। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक यह शहर करीब 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अभी तक इसका एक तिहाई भाग ही खुदाई में हम सबके सामने आया है। दोस्तों, इस प्राचीन सभ्यता के कारण पाकिस्तान को नेशनल आइकन माना जाता है। सन 1856 ईस्वी में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेलवे रूट बनाते वक्त मोहनजोदड़ो का खोज किया था। रेलवे ट्रैक बनाते समय यह इंजीनियर पत्थरों को हटा रहा था ताकि वह इन पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बना सके। तभी इसको यहाँ एक मजबूत और पुरानी ईंट मिली, जो देखने में बिल्कुल ही आज की ईंट की तरह था। वहाँ के आदमी ने उसे बताया कि यहाँ का सभी घर इन्हीं ईंट से बना हुआ है जो उन्हें खुदाई में मिलता है। दोस्तों, तब इंजीनियर समझ गया कि यह शहर प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु घाटी के पास बसे सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला। दोस्तों, सिंधु नदी के पास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और सभ्यता निवास करती थी जो इजिप्ट ग्रीस में स्थित थी। दोस्तों, यह बात पुरातात्विक विभाग द्वारा कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 साल ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर भी थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो इसमें से सबसे विकसित शहर था। उस समय यह सबसे विकसित और सबसे आधुनिक शहर माना जाता था। इसलिए पुरातात्विक विभाग ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। हड़प्पा ऐसा शहर था जिसे आधुनिक ढंग से बनाया गया था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को देखकर ऐसा लगता है कि इस शहर को किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन के कारीगरों द्वारा बनाया गया था। 1900 ईसा पूर्व में अचानक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। दोस्तों, इन शहरों में रहने वाले का तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्लानिंग करके मोहनजोदड़ो शहर का निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवारें थी जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही यह भी पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंट के घरों में भी रहते थे, जो तीन तीन मंजिल बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ घरों में बाथरूम भी मिले हैं जिनके पानी निकास के लिए नालियां भी बनी हुई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहली नाली का निर्माण मोहनजोदड़ो से ही शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे, उन्हें गेहूं चावल उगाना अच्छी तरह से आता था। इतना ही नहीं, वह लोग जानवर का भी पालन किया करते थे। दोस्तों, भारतीय द्वारा मोहनजोदड़ो
दोनों का खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, जो पुरातत्व विभाग के संरक्षक थे। उन्हें वहाँ बुद्ध का स्तूप सर्वप्रथम दिखाई दिया। उसके बाद उन्हें आशंका जताई कि इस जगह जरूर कोई बहुत बड़ा इतिहास दफन है। दोस्तों, इस खोज को बढ़ाते हुए सन 1924 ईस्वी में काशीनाथ नारायण और सन 1925 ईस्वी में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया था। सन 1985 ईस्वी तक इसे भारत के अलग अलग लोगों के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करना पड़ा। इसका कारण यह बताया गया कि खुदाई के वजह से प्राकृतिक को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, खोज के दौरान पता चला कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। उन लोगों को जोड़ना, घटाना, मापना सब कुछ आता था। जो ईट अलग अलग शहर में इस्तेमाल हुआ था, वह सभी एक ही वजन और एक ही साइज के थे, जैसे मानो सभी एक ही आदमी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने की भी बहुत शौकीन थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और खिलौनों को भी खोज निकाला था। इतना ही नहीं दोस्तों, वह लोग साफ सफाई पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को साबुन, कंघी, दवाइयां भी मिली थी। उन्होंने कंकालों के दांतों का निरीक्षण किया तो उसके परिणाम काफी हैरान करने वाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के लोग भी आज की तरह नकली दांत का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब यह हुआ दोस्तों, प्राचीन सभ्यता में भी डॉक्टर हुआ करते थे। खोज के दौरान खोजकर्ताओं को धातु के गहने और कॉटन के कपड़े भी मिले थे। यह गहने और कपड़े आज की म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के और भी औजार खुदाई के दौरान मिले थे, जिसे देश विदेश के संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों, खोज से पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिले काले गेहूं के दाने को आज की म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपि भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के लोगों को पढ़ना लिखना भी आता था। दोस्तों, यहाँ के लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख लोग रहते थे, जो एक भूकंप में पूरी तरह नष्ट हो गया। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार मोहनजोदड़ो की आज भी ज्यादा खोज करने में लगे हुए हैं। वह पता कर रहे हैं कि कैसे उस शहर का निर्माण हुआ था, वहाँ रहने वाले ने कैसे इतनी बड़ी सभ्यता का विकास किया और आखिर इसका अंत कैसे हो गया। इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की खोज आज भी जारी है। तो ये थी दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।